हेलो एवरीवन, लक्ष्य प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर एक वीडियो के माध्यम से रोहतक के अंदर के हर एक सेक्टर के बारे में आप तक डीपली इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस बार हम कुछ आपके लिए डिफरेंट रोहतक में आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ही डीपली और अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर दी मोरबाग रॉयल रेजिडेंस के नाम से नया प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट आपका मेन आईएमटी चौक के एंट्रेंस के ऊपर सेक्टर 30 ए में चौधरी रणवीर सिंह पार्क के बैक साइड में आया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर डीपली बात करें तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर हाफिज इसके आर्किटेक्ट है और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया है। इन्होंने पहले दुबई और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन इन्होंने ही करके दिया हुआ है। तो हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट टोटल 2 एकड़ में फैला हुआ है। 2 एकड़ के अंदर इसके अंदर टोटल 3 टावर है ए बी सी, और ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए होने वाला है। हम इस प्रोजेक्ट तो अब आप लोग देख सकते हैं, हम आप तक 3D वीडियो एनिमेशन की सहायता से हम आपको थोड़ा डीपली इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपका दी मोरबाग रॉयल रेजिडेंस इसका नाम है। ये प्रोजेक्ट आपका टोटल 22 फ्लोर का होने वाला है और इसके अंदर आपको 100 यूनिट प्रोवाइड होगी, यानी कि आपके 100 फ्लैट अवेलेबल होंगे। सामने अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दी मोरबाग रॉयल रेजिडेंस का मेन एंट्रेंस होने वाला है। मेन एंट्रेंस पे आपको बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी और जैसे ही आप एंट्रेंस से एंटर होंगे तो आपको इस सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी। अगर हम बताएं तो जैसे आपने पहले होटलों या गेस्ट हाउसों के अंदर देखा होगा, उसी तरह से आपको ये एरिया बिल्कुल रिसेप्शन टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी लॉबी और इसके अंदर वेटिंग रूम के लिए बहुत अच्छा फुल्ली फर्निश्ड एरिया देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई गेस्ट वगैरह आता है तो वो आपको पहले वो वेटिंग एरिया में वेट करेगा, पहले आपके रूम तक उसकी डिटेल पहुंचाई जाएगी। जब आप कंफर्मेशन देते हैं तभी उसके बाद उसको कार्ड दिया जाएगा, तब वो आपके फ्लोर तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो वेटिंग एरिया में वेट करके वापस जा सकता है। इसके अलावा सामने अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये दी मोरबाग रॉयल रेजिडेंस सोसाइटी का फुली फर्निश्ड लिविंग रूम है। इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं लिविंग रूम है। लिविंग रूम के अंदर ही कॉर्नर पे छोटा सा आपको बहुत ही प्यारा मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर के साइड में ही आपको ये डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा और डाइनिंग एरिया के अलावा आपको यहाँ किचन, अटैच वॉशरूम, 3 मास्टर बेडरूम, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। अगर फ्लैट्स की बात करें तो इसके अंदर आपका 3 BHK, 4 BHK, 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम और पेंट हाउस होने वाले है। पेंट हाउस की बात करें तो आपके पेंट हाउस टॉप फ्लोर पे 3 पेंट हाउस अवेलेबल होंगे आपको। अब हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए इनकी डिटेल्स बताते हैं। तो 3 BHK का साइज आपका 1962 स्क्वायर फीट का होने वाला है और 4 BHK का साइज आपका 2345 स्क्वायर फीट होने वाला है और 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का प्राइस आपका 2760 स्क्वायर फीट होने वाला है। आप सामने स्क्रीन पे कितना प्यारा व्यू देख सकते हैं, ये आपका पार्क होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं प्राइस के बारे में। तो इनका पहली बात तो ये इनका पेमेंट प्लान बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा है। आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होंगे पेमेंट प्लान चूज करने के लिए, लोन वगैरह के लिए। तो अभी हम आपको बताते हैं 3 BHK का प्राइस आपका 7500 पर स्क्वायर फीट होने वाला है और 4 BHK प्लस 4 BHK सर्वेंट रूम का प्राइस आपका 7000 पर स्क्वायर फीट होने वाला है। तो अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ी और। इसके अलावा अगर फैसिलिटीज की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा किड्स प्ले एरिया, योगा एंड मॉर्निंग वॉक पाथ, क्रिकेट ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड और पर फ्लैट आपको 2 से 3 पार्किंग बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगी। इसके अलावा इस पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के पे आपका कमर्शियल एरिया होने वाला है। कमर्शियल एरिया की फैसिलिटीज की बात करें तो आपका योगा रूम, मिनी पार्क, मूवी थिएटर, बैंकेट हॉल, लाइब्रेरी, ये सब आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा। और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे 100 यूनिट है यानी कि 100 फ्लैट जो भी है उनके अंदर रहने वाले लोगों के लिए स्पा हो गया,
मूवी थिएटर हो गया, बैंकेट हॉल हो गया, ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है। इनकी आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी। अगर आपका फैमिली फंक्शन वगैरह है कोई 40 से 50 लोगों का, तो आप यहाँ पे मूवी थिएटर या बैंकेट हॉल वगैरह कुछ भी फ्री में बुक कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, ये आगे का और पीछे की साइड का व्यू आप देख सकते हैं। एक साइड से आपका चौधरी रणधीर सिंह पार्क का व्यू आपको देखने को मिलेगा, दूसरी साइड से आपको IMT के मेन एंट्रेंस का व्यू आपको देखने को मिलेगा। सामने आप ये मिनी थिएटर देख सकते हैं, आपको ये 10 से 12 बंदों का मिनी थिएटर अवेलेबल होगा। ये आपकी जिम होने वाली है, इसकी ये जिम आपके लिए बिल्कुल ही फ्री होगी। जो 100 यूनिट यहाँ पे है उनके लिए ये जिम बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने अभी आपका ये स्विमिंग पूल होने वाला है, स्विमिंग पूल आपका ग्राउंड फ्लोर पे होने वाला है पार्क के साइड में। ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट व्यू आपके लिए। अभी हम आपको और डिटेल में बताते हैं, तो हम बात करते हैं इसके आसपास के एरियाज की। तो इसके आसपास के एरिया की बात करें तो आपको यहाँ से बिल्कुल पास ही में दी वो IMT चौक, IMT के सारे सेक्टर, वन सिटी, M2M पार्क व्यू, फोर्टेसिया, लीजेंड होम्स, यूनाइटेड होम्स की साइट भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात करें तो रोहतक का बेस्ट काइनोस हॉस्पिटल बिल्कुल 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और रोहतक का मेन PGI और वगैरह छोटे हॉस्पिटल भी आपको बिल्कुल पास में 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड, यहाँ से बिल्कुल पास ही में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी और 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे MDU यूनिवर्सिटी, जाट कॉलेज और काफी सारे इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेंगे। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात करें तो रोहतक का बेस्ट और रेपुटेड DAV स्कूल और इंडस पब्लिक स्कूल बिल्कुल आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाला है। ये साइट आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो इनका पेमेंट प्लान बहुत ही स्मूथ है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3 साल के बाद आपको यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगा। अभी आप ये सामने ये लोग भी देख सकते हैं, और सबसे मेन चीज यहाँ पे लिफ्ट एरिया का अलग सिस्टम है। कमर्शियल लिफ्ट आपकी अलग होने वाली है और रेजिडेंशियल लिफ्ट आपकी अलग होने वाली है। अगर बाहर से आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं या कोई भी अदर थर्ड पर्सन आता है तो उसके लिए आपकी अलग कमर्शियल लिफ्ट होने वाली है, और आपकी पर्सनल फैमिली 100 यूनिट जो है उनके लिए रेजिडेंशियल अलग लिफ्ट होने वाली है। सभी फ्लोर्स की अलग स्टेयर और हैवी लिफ्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप एक इन्वेस्टर है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट। चलिए अब हम कनेक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिविटीज की बात करें तो दी मोरबाग रॉयल रेजिडेंस से बिल्कुल पास ही में आपका NH9 KMP एक्सप्रेस वे और IGI एयरपोर्ट का बिल्कुल 50 मिनट का डिस्टेंस है। एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो PGIMS मेडिकल कॉलेज, IIM रोहतक, MDU किंग्स कॉलेज रोहतक, और हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करें तो रोहतक PGI काइनोस हॉस्पिटल, होली हार्ट और नोबल हार्ट की साइट भी यहाँ से बिल्कुल पास ही में पड़ेगी। रिक्रिएशन की बात करें तो आपका 3D एरियाज, अजॉइनिंग पार्क, राजीव गांधी स्टेडियम, तिलियार लेक, MDU स्टेडियम बिल्कुल पास ही में है। अगर आप यहाँ पे सेल कर परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करें, या सेक्टर 2000 के पास हमारा मेन ऑफिस है, आप वहां विजिट करें। और IMT के गेट नंबर 2 से एंटर होते ही ऑफिस नंबर 1 लक्ष्य प्रॉपर्टीज के नाम से हमारा सेकंड ऑफिस देखने को मिलेगा, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से साइट का विजिट करवाएंगे, आपको अच्छे से अच्छी और काफी फेयर डील प्रोवाइड करेंगे। और लक्ष्य प्रॉपर्टीज के नाम से हमारा फेसबुक चैनल है, हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए रोहतक के हर एक सेक्टर के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे लक्ष्य प्रॉपर्टीज YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बने रहे हमारी वीडियोस के साथ। थैंक यू।